ओपन अप बिजनेस में आप सभी का स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि सिर्फ व्हाट्सएप यूज करके आप अपने बिजनेस को कई गुना बढ़ा सकते हैं। हजारों बिजनेसमैन इस ऐप को यूज कर रहे हैं। आप भी अभी डाउनलोड करें ओपन अप ऐप, इंडिया का बिजनेस सोशल नेटवर्क। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आज जानते हैं धीरूभाई अंबानी की सक्सेस स्टोरी। धीरज लाल हीरा लाल अंबानी, जिन्हें धीरूभाई भी कहा जाता है, भारत के एक चिथड़े से धनी व्यापारिक टाइकून बनने की कहानी, जिन्होंने रिलायंस उद्योग की स्थापना मुंबई में अपने चचेरे भाई के साथ की। कई लोग अंबानी के उल्लेखनीय विकास के लिए अंतरंग पूंजीवाद और सत्तारूढ़ राजनीतिज्ञों उनकी पहुंच को मानते हैं, क्योंकि ये उपलब्धि अति दमनकारी व्यवसायिक वातावरण में पसंदीदा बर्ताव द्वारा प्राप्त की गई थी। 1990 तक भारतीय व्यवसाय का गला घोंट दिया और उन्हीं को राजनीतिज्ञों ने लाइसेंस प्रदत्त किया, जो कि उनके इष्ट थे, जिसने प्रतियोगिता के लिए कोई आसार नहीं छोड़े। अंबानी ने अपनी रिलायंस को 1979 में सार्वजनिक क्षेत्र में सम्मिलित किया और 2007 तक परिवार की संयुक्त धनराशि 100 अरब डॉलर थी, जिसने अंबानियों को विश्व के धनी परिवारों में से एक बना दिया। धीरज लाल हीरा भाई अंबानी, जो ज्यादातर धीरूभाई अंबानी के नाम से जाने जाते हैं, एक सफल भारतीय व्यवसायी के शक्तिशाली कारोबारी थे, जिन्होंने 1966 में रिलायंस इंडस्ट्रीज की स्थापना की। उन्होंने जिस मेहनत और लगन से तरक्की की है, उसी वजह से भारत का हर युवा उनसे प्रेरणा लेता है। धीरूभाई अंबानी ने हमें ये सोचने के लिए प्रेरित किया कि जिसमें काबिलियत होती है, फिर चाहे वो किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, सफलता पा सकता है। धीरज लाल हीरा लाल अंबानी अथवा धीरूभाई अंबानी का जन्म 28 दिसंबर 1932 को गुजरात के जूनागढ़ जिले में चोरवाड़ गांव में एक सामान्य मोद बनिया परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम हीरा चंद गोवर्धन भाई अंबानी और माता का नाम जमुनाबेन था। उनके पिता अध्यापक थे। उनके माँ बाप के 5 संतानों में धीरूभाई तीसरे नंबर के थे। उनके दूसरे भाई बहन थे रमणिक लाल, नटवर लाल, त्रिलोचना और जसुमती। आर्थिक तंगी के कारण उन्हें हाई स्कूल में ही पढ़ाई छोड़नी पड़ी। ऐसा कहा जाता है कि परिवार की आर्थिक मदद करने के लिए उन्होंने गिरनार के पास भजिए की एक दुकान लगाई, जो मुख्यतः यहाँ आने वाले पर्यटनों पर आश्रित थी। हालांकि कारोबार की सफलता में धीरूभाई अंबानी ने आसमान की बुलंदियों को छू लिया था, पर उन पर लचीले मूल्यों और अनैतिक प्रवृत्ति अपनाने के आरोप भी लगे। उन पर यह आरोप लगा कि उन्होंने सरकारी नीतियों को अपनी आवश्यकताओं के अनुकूल चालाकी से बदलवाया और अपने प्रतिद्वंदियों को भी सरकारी नीतियों के सहारे पटखनी दी। धीरूभाई अंबानी ने अपनी पहली नौकरी यमन के शहर अदन में की। वे वहाँ की कंपनी में बेसोस से 300 रुपए के वेतन पर एक छोटी सी नौकरी करते थे। वहीं से धीरूभाई के मन में व्यवसाय की बारीकियां जानने को लेकर उत्सुकता पैदा हुई। यहीं से वे बेसोस में नौकरी करते हुए एक गुजराती व्यवसायिक कंपनी में काम करने लगे और वहां से उन्होंने लेखा जोखा, वित्तीय विभाग का काम और शिपिंग पेपर्स तैयार करना सीखा। धीरूभाई के मैट्रिक परीक्षा के परिणाम आने से पहले ही उनके पिता ने नौकरी के लिए उनके बड़े भाई रमणिक भाई के यहाँ यमन जाने को कह दिया। धीरूभाई आगे पढ़ना चाहते थे, लेकिन पिता की आर्थिक तंगी के आगे उनकी पढ़ाई छूट गई। अब वो पासपोर्ट बनवाने राजकोट गए और उसके बाद वीजा भी बनवाया। अब सारी तैयारियों के बाद वो मुंबई पहुंच गए, जहां से अदन के लिए जहाज जाता था। वहां वो जहाज पर अदन जा रहे थे, तब एक गुजराती समाचार पत्र में उनके मैट्रिक परीक्षा का नतीजा आया था, जिसमें वो द्वितीय श्रेणी से उत्तीर्ण हुए थे। 25 वर्षीय धीरूभाई अंबानी ने भारत लौटने पर 50,000 रुपए की पूंजी से रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन की स्थापना की। इसके लिए उन्होंने ICICI से पहला ऋण लिया। इस कंपनी का मुख्य उद्देश्य यार्न को आयात करना और मसालों को निर्यात करना था। धीरूभाई ने किराए के मकान से व्यापार शुरू किया था, जिसमें एक टेलीफोन, एक मेज और 3 कुर्सियां थी। शुरुआत में उन्होंने व्यापार संभालने के लिए 2 सहायक भर्तियां की थी। 1965 में उनके व्यापार के साझेदार चंपकलाल दमानी ने उनके साथ साझेदारी खत्म कर दी, जिससे सारा व्यापार अब वो अकेले संभालने लगे। उसी दौरान आजादी के लिए हुए यमन आंदोलन में
अदन में रह रहे भारतीयों के लिए व्यवसाय के सारे दरवाजे बंद कर दिए गए। तब 1958 में धीरूभाई भारत वापस आ गए और मुंबई में व्यवसाय शुरू करने के लिए अवसर तलाशने लगे। चूंकि धीरूभाई व्यापार में एक बड़ा निवेश करने में असक्षम थे, तो मसालों और शक्कर का व्यापार रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन के नाम से शुरू किया। इस व्यापार के पीछे धीरूभाई का लक्ष्य मुनाफे पर ज्यादा ध्यान न देते हुए ज्यादा से ज्यादा उत्पादों का निर्माण और उनकी गुणवत्ता पर था। 1962 में धीरूभाई वापस भारत लौट आए और 15,000 रुपए की राशि के साथ रिलायंस कॉरपोरेशन की शुरुआत की। शुरुआत में रिलायंस कॉरपोरेशन का बिजनेस पॉलिएस्टर यार्न इंपोर्ट करने और मसाले एक्सपोर्ट करने का था। रिलायंस कॉरपोरेशन का पहला ऑफिस नरसिंहनाथन स्ट्रीट में बना। इस समय अंतराल के दौरान धीरूभाई और उनके परिवार को मुंबई के जय हिंद स्टेट में एक रूम में रहना पड़ा था। 1968 में उन्होंने साउथ मुंबई में एक महंगा फ्लैट खरीद लिया। 1960 के दशक के अंत तक धीरूभाई की संपत्ति 10 लाख रुपए के करीब थी। अब तक धीरूभाई को वस्त्र व्यवसाय की अच्छी समझ हो गई थी। इस व्यवसाय में अच्छे अवसर की समझ होने के कारण उन्होंने वर्ष 1966 में अहमदाबाद के नैरोड़ा में एक कपड़ा मिल स्थापित की। यहाँ वस्त्र निर्माण में पॉलिएस्टर के धागे का इस्तेमाल हुआ और धीरूभाई ने विमल ब्रांड की शुरुआत की, जो कि उनके बड़े भाई रमणीक लाल अंबानी के बेटे विमल अंबानी के नाम पर रखी गई थी। उन्होंने विमल ब्रांड का प्रचार प्रसार इतने बड़े पैमाने पर किया कि ब्रांड भारत के अंदरूनी इलाकों में भी एक घरेलू नाम बन गया। वर्ष 1975 में विश्व बैंक के एक तकनीकी दल ने रिलायंस टेक्सटाइल के निर्माण इकाई का दौरा किया और उसे विकसित देशों के मानकों से भी उत्कृष्ट पाया। आशा करते हैं आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। तो अभी डाउनलोड करें ओपन अप ऐप इंडिया का बिजनेस सोशल नेटवर्क, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।